गाइजर अभी मैं जा रहा हूँ घर पे और बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है आगे रोड पे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा अभी देखो अभी जाता है पता नहीं कौन से रॉन्ग में खाई बाई में गिर जाता एक सेकंड लगता है सामने बिजली का झटका पड़ रहा है किसी को मुझे उसको बचाना पड़ेगा नहीं अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे भी तो बिजली का झटका पड़ जाएगा क्या करूँ क्या करूँ एक सेकेंड पर बिजली पिंक कलर की कब से होने लग गई ये क्या चल रहा है अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सामने पिंक कलर का धुआं कैसे निकल रहा है अरे मुझे देखना ही पड़ेगा उतर के ये कौन धुआ निकाल रहा है यार बारिश इतनी हो रही है पता नहीं क्या चल रहा है मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है अगर एकदम तो से बंदर निकल तो तो मैं बिल्कुल तो डर जाऊंगा ना अरे भूत भूत अरे ये से अभी धूप नहीं कल मेरी मदद अरे ये तो है कल सुबह निकलो ऐसे बच्चे हूँ मैं अर्थ के बाजू वाले शहर से आया हूँ मुझे बचा ले अरे मैं 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 तुम्हें कैसे बचाऊं तुम तो एलियन हो ना मुझे धूप चाहिए और हर जगह सिर्फ अंधेरा और बारिश हो रही है मुझे बचा ले ये कीमती अंडा है ये तू संभाल ले मैं मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो अंकल मैं जा रहा हूँ अरे यार मैं क्या करूं वो एलियन अंकल तो घूम हो गए और उनका अंडा छोड़ के चले गए ये तो कोई जादुई अंडा लगता है भाई इसमें से एलियन तो निकल के नहीं आ जाएगा ना भाई कितना ज्यादा चमक रहा है ये क्या करूं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसको घर लेके जाऊंगी पुलिस वालों को दूं अरे एक सेकेंड ये मुझे नींद क्यों आ रही है ओ ओ ओ ओ ये 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 किसने पानी पानी थैंक थैंक यू यू थोड़ा और देना अरे भैया वो वो नहीं थी मेरा थूक था क्या थूक था तो क्या? कौन करते है? और मैं ये पागल महंगी गाड़ी अभी दस हजार रुपए की लेके आया था वो भी सेकेंड हैं अरे भाई साहब डायमंड की गाड़ी बोल रहे हो डायमंड की गाड़ी एक सेकंड ये डायमंड की कैसे हो गई अरे भाई साहब के नशा वशा करके आए हो क्या डायमंड की गाड़ी है डायमंड की ना ये गाड़ी डायमंड की कैसे डायमंडी मैंने जब इस गाड़ी को खरीदा था तब तो ये प्लास्टिक की थी ये डायमंड की कैसे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अरे भाई साहब इतना नशा करते ही क्यों अबे चुप आप काम कर वैसे भाई साहब ये अंडा किसका है है मुर्गी का थोड़ा दोनों ऑमलेट बना के खाऊंगा इतना बड़ा अंडा मैंने कभी नहीं देखा अंडा अरे अंडा और सेकंड ये अंडा तो मैंने एलियन से लिया था क्या एलियन ये भाई ज़्यादा ही नशा नशाक लगता है अरे सही में एलियन था उसने मुझे अंडा दिया है वही मैं सोचो इतना बड़ा अंडा यहाँ पे तो नहीं मिलता किस कौन से एलियन ने दिया था अरे मुझे क्या उसका नाम तो ना पता है और मुझे लगता है इसी अंडे ने मेरी गाड़ी को चेंज किया होगा डायमंड अरे भाई साहब मेरी बात सुनो आपकी गाड़ी पे अंडा लगाते हैं वो डायमंड की होगी कि नहीं अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो अंडे से गाड़ी डायमंड की अरे ये एलियन का अंडा नामोली अंडा नहीं है करके देख लो यार वैसे भी कुछ होने तो वाला नहीं है तो चलो फटाफट से इसकी गाड़ी पे अंडा लगा देते है अरे भाई साहब ये क्या कर दिया आपने मेरी गाड़ी को अरे सॉरी सॉरी मैंने सोचा ये डायमंड की हो जाएगी अरे भाई साहब ये तो गोल्ड की हो गई क्या गो, गोल्ड क्यों गई कि गोल्ड है अरे भाई साहब पूरा गोल्ड है मेरे चाट के देखो क्या सही में गोल्ड है अरे भाई साहब ये अंडा तो बहुत ही कमाल का है मुझे दे तो। अरे ऐसे कैसे दे दो तो ये मेरा अंडा है भाई साहब अभी तो आपने बोला एलियन का अंडा है अरे नहीं नहीं, नहीं एलियन का तो ना मैं, मैंने निकाला ये अंडा कहा से निकाला भाई साहब अरे अपना काम करना है तो खराब है चलो मैं चलता हूँ क्या मेरी गाड़ी खराब है अरे सुनो सुनो मेरे घर तक मुझे लिफ्ट दे दोगे अरे भाई साहब तो अंडा मुझे नहीं दे रहे थे ना अरे यार ऐसे क्या कर रहे हो चलो चलो ठीक है ठीक है तो कह सर मुझे एक ऐसा अंडा मिल चुका है जिसने मेरी गाड़ी को चेंज कर दिया डायमंड में और इन भाई साहब की गाड़ी को चेंज कर दिया गोल्ड में ये तो बहुत ही जादू अंडा लग रहा है मुझे अभी मैं जा रहा हूँ इन भाई साहब के साथ घर पे फिर देखते हैं इस अंडे से हम क्या क्या करेंगे बहुत ज्यादा मजा आने वाले भाई साहब अंडा मुझे दो दिन के लिए दो ना अरे बाद में दूंगा पहले मैं तो यूज कर लू हाँ हाँ भैया आप यूज कर, दे कर लू फिर मैं तो दूंगा। तो अभी घर पे बस रोको रोक दो तो, हाँ रोक तो। भाई साहब आप क्यों ये बीस रूपए क्या बीस रूपए आप पूरी की पूरी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट करके दे दी बीस रूपए मांग रहे हो अरे मजाक करा था भाई साहब अंडा मुझे देना मत बोला अरे हाँ हाँ दे दूंगा दे दूंगा चलो अब जाओ वैसे

अरे तो मैंने तो बोला ही था एरी में तो सही में है। के सही मुझे एक एलियन मिला था उसने मुझे दिया और खतरनाक तो है हाँ, मुझे डायमंड का बनाता दो अरे देखो डायमंड बना दिया तो स्टेचू बन जाएगा अभी हिल नहीं पाएगा मुझे डायमंड का नहीं बनना एहरी फेकी फिर क्या करें कुछ तो करो अरे सिंह सोच रहे थे

सर अभी देखो तो पैसे भी मिल चुके हैं पैसा गोल्ड सोना डायमंड सब, सब चीजें एक काम करता हूँ जितनी चीजें सारी की सारी, सारी, सारी कुर्सियाँ पेड़ पौधे सब सब टच कर दूंगा मुझे बहुत सारा पैसा सब कर सब चाहिए। जल्दी जल्दी सारी की सारी चीजें टच कर देते वे, ये बहुत ही ज्यादा पैसा डायमंड है। अरे अभी बहुत सारा पैसा बहुत सारा गोल्ड और बहुत सारा डायमंड आ चुका है हमारे तो मजे हो गए अरे बहुत ही ज्यादा खुशी मैं तो अरे देखिए मुझे डायमंड वैली अरे सब मिलेगा पहले उससे पहले मुझे डायमंड कहीं पे छुपाना पड़ेगा अरे वे के पे कहीं पे छुपेंगे कहीं अच्छी जगह रखना पड़ेगा ताकि डायमंड को मतलब ऐसे कंफर्टेबल फील हो तो कहा रखे कहाँ रखे चेयर पर रख दूंगा नहीं, नहीं 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 एक सेकंड चॉप का सोफा तो कहे सर अभी इस डायमंड के अंडे को मतलब मैजिकल अंडे को हम रखने वाले चॉप के सोफे के ऊपर आओ तो मैं आऊंगा अरे मैं तुझे डायमंड का सोफा ला के दूंगा ना आओ है, मुझे गोल्ड का चाहिए अरे गोल्ड डायमंड मनी सब मिलेगा तो जर, अभी देख सकते हो तो हमारे पास कितना ज्यादा गोल्ड और पैसा आ चुका है अभी आपको नीचे लेके चलता हूँ फटाफट से तो गाय सर अब देख सकते हो हमारे पास कितना सारा पैसा डायमंड गोल्ड आ चुका है मुझे नए नए कपड़े चाहिए जल्दी चलू आजा सिंचैन तो गए सर अभी हम जाने वाले नए नए कपड़े खरीदने सिंचैन के लिए मेरे लिए और चौप

अरे को दीदी को देखा अरे भाई वैसे भी तो फ्री है और यार बात तो तेरी सही है सारा सा दीदी को जितने तेरे मसाओ कसामा जितने ने सबको डायमंड बांट दिए तो दिया अभी हम आ चुके हैं इस दुकान को खरीदने हेलो दीदी कैसे हो अभी हम खरीदने वाले इस दुकान को उससे पहले हम देखेंगे मस्त मस्त कपड़े अरे मैंने भी पहन लिए तो गाइस गायजर अभी मैंने आंटी को जब यार ये डायमंड और कैश दिखाया तो उन्होंने बोला कि इतना सारा पैसा नीचे चाहिए हमें हमें थोड़ा सा ही पैसा चाहिए तो मेरे पास एक आइडिया इतने पैसे से तो हम एक नया घर खरीद सकते हैं क्योंकि डायमंड

तो घर के अंदर घुसते ही बहुत सारी गन्स के साथ बहुत सारे गार्ड्स और यहाँ पे देखते इतनी बढ़िया सी सुपर कार खड़ी है जो कि हमें फ्री मिलती है इस घर के साथ क्या हमने इतना सारा पैसा कोई दिक्कत नहीं है चलो गाय सर फटाफट फड़ से अपने अंदर चलते हैं और उसका गाज में यार में बहुत सारी गाड़ियां भरने वाला हूँ अब सोच भी नहीं सकते इतनी सारी गाड़ियां इस घर के अंदर होगी तो गाय सर अभी देखते हैं इधर क्या है यहाँ पे देखते ये पोकर टेबल है यहाँ पे हम जुआ खेल सकते हैं बिल्कुल नहीं खेलेंगे इसको मैं बाहर भिकवाऊंगा और यहाँ पे लूडो लगवाऊंगा तो गाय सर यहाँ पे हम बैठ के आराम से चिल कर सकते हैं बहुत सारी पार्टियां कर सकते हैं और ये देखो ये सबसे तगड़ा पार्ट है यहाँ पे इतना ज्यादा पार्टी एरिया ना है ना किस तो अगर आपको आना है हमारे इस वाले घर की पार्टी में तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ सब्सक्राइब करना है हम मिलियन सब्सक्राइबर पे एक बहुत खतरनाक वाली पार्टी करने वाले जो कि होगी इसी घर के अंदर तो सब्सक्राइब कर देना और अभी हम चलते हैं बाहर स्विमिंग पूल भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाला है और ये हमारा किचन एरिया ये हमारा डाइनिंग टेबल पीछे हमारा किचन है इतना बढ़िया सा डाइनिंग टेबल है और यहाँ पे मस्त मस्त मूर्तियां लगी हुई है हमारा किचन देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा है यहाँ पे

कलर का ट्री भी लगा हुआ जो कि बहुत ज्यादा मस्त लगता है, तो चलते है से नीचे, और तो फटाफट से पार्टी एरिया मतलब बहुत ही ज्यादा मस्त है इतना महंगा इसलिए यहाँ पे पार्टी एरिया बहुत खतरनाक है यहाँ से देखो नीचे जाने का भी रास्ता है जहां पे झरने बैठे फूल उगते हैं पड़े रात को चांद तारे तोड़ सकते हैं यहाँ पे बैठ के और यहाँ पे मेरा किचन बना हुआ है बार बना हुआ बैठ के जूस पी सकते हैं सिर्फ जूस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा गंदी गंदी सोच कोई ही नहीं रखेगा